सर जय श्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि लास्ट कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को जो दशाफल के बारे में बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे ठीक से। जो दशाफल मैंने बताए हैं वो शास्त्रों के अनुसार हैं, ऑथेंटिक हैं, उन्हीं के अनुसार सब कुछ घटित होता है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो लिया हुआ है, वो शास्त्रों के अनुसार। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक हमारा मंगल की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतर्दशा का फल चल रहा था। अब हम लोग शुरू करते हैं कि राहु की महादशा में अगर विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा हो तो किस प्रकार के फल होते हैं। उसके बारे में भी ऋषि पाराशर जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बृहत पाराशर पुरा शास्त्र में कहा है, उसका वर्णन किया है शास्त्र के अंदर। वो कहते हैं कुलीरे वृश्चिके राहो कन्यायाम चाप गे अपीवा। कहते हैं कर्क राशि में वृश्चिके, वृश्चिक राशि में कन्यायाम, कन्या राशि में चाप गे अपीवा, या धनु राशि में राहु हो, यदि राहु कर्क राशि में हो, कन्या राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या धनु राशि में हो, तो राहु की अंतर्दशा में क्या होता है? तद भुक्तो राज सम्मानम वस्त्र वाहन भूषणम। ऐसे केस में राजा का सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट से आपको रिकॉग्निशन मिलती है, लोगों के प्रमोशंस होते हैं, वस्त्र वाहन आभूषणम, आभूषणों की प्राप्ति होती है, वाहनों की प्राप्ति होती है, नए नए वस्त्र मिलते हैं। कब? जब राहु कर्क राशि में, कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में या धनु राशि में स्थित हो तो राहु की अंतर्दशा में राज सम्मान मिलता है, वस्त्र वाहन आदि आभूषण आदि की प्राप्ति होती है। और क्या कहता है? व्यवसायादि फलाधिक्यम, व्यवसाय से अधिक लाभ होता है। चतुष्पाद लीव लाभ करता है, जितने भी आपके पास चौपाएं हैं, जितने भी जानवर हैं आपके पास, गाय भैंस हैं, बैल है, पुराने जमाने में ऐसी चीज होती थी, तो उनसे आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आप, हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री अगर कोई है, इंडस्ट्री में आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो उस चीज से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस बहुत फले फूलेगा, आपको जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रयाणम पश्चिमे भागे, वो कहते हैं कि पश्चिम दिशा की यात्रा होती। ऐसे में जब राहु की अंतर्दशा चल रही हो, राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा होती है। वाहन अंबर लाभ करते हैं। और क्या होता है? वो कहते हैं लग्नादु पचिये राहो शुभ ग्रह युते क्षिते। लग्नादु पचिये राहो, यानी राहु यदि उपचय भाव में हो, लगन से उपचय भाव में हो, उपचय भाव कौन कौन से हमारे, तीसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवां। राहु लगन से अगर उच्चय भाव में हो, शुभ ग्रह युते कृते, शुभ ग्रह के साथ युत हो या उससे द्रष्ट हो, मित्रांशे तुकभांशे, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, योग कारक संयुते, योग कारक ग्रह से साथ में हो, तो राज्य लाभ, राज्य का लाभ मिलता है। राज्य का लाभ मिलता है मीन्स प्रमोशंस मिलते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, महोत्साहम, आपके घर में फंक्शंस होते हैं, बहुत उत्साह का माहौल होता है, राज प्रीतिम, राजा से आपको प्रीति मिलती है, आपको गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलती है, शुभ वाम हम, बहुत ही शुभ शुभ होता है आपके लाइफ में, सुख संपत्ति का आगमन होता है, दार पुत्रादि वर्धनम, आपकी संतान की वृद्धि होती है। तो ये सब चीजें जब होती हैं, जब राहु लगन से उच्चय भाव में स्थित हो, शुभ ग्रह से युत या द्रष्ट हो और मित्र राशि के दमांश में हो या उच्च राशि में संस्थित हो। उसके बाद बोला गया है लग्ना अष्टम व्यय राहो पाप युक्ते शिक्षिते चौरादि व्रण पीड़ा चे सर्वत्रैवं भवेत द्विजय राजद्वारे जन द्वेषम इष्ट बंधु विनाशनम दार पुत्रादि पीड़ा चे भवत्येव न संशय। इसमें कहते हैं कि राहु लगन में, लगन से अगर अष्टम भाव में हो या बारहवें भाव में हो, लग्ना अष्टमे व्यय, अष्टमे मीन्स अष्टम भाव में, व्यय मीन्स बारहवें भाव में, अगर राहु लगन से अष्टम भाव में या बारहवें भाव में हो, पाप युक्ते अथे विक्षिते, पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह से द्रष्ट, तो क्या होता है? चौरादि व्रण पीड़ा, चोर का भय होता है, चोट लग सकती है, कोई घाव से कष्ट हो सकता है, सर्वत्रैवं भवेत् द्विजय, जितने भी आपके कुलीग्स हैं कंपनी के अंदर, आप जहां सर्विस करते हैं या जहां बिजनेस करते हैं, वहां पार्टनर्स के साथ आपका या कंपनी में जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, उनके साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। राजद्वारे जन द्वेषम, राजद्वारे जन द्वेषम,
इष्ट बंधु विनाशनम, आपके अपने जो जानने वाले हैं, अपने जो लोग हैं जिनसे आप, जिनको आप शुभ चिंतक मानते हैं, उनके साथ आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। दार पुत्र आदि पीड़ा, आपकी संतान और आपकी पत्नी को पीड़ा हो सकती है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। तो ये कहते हैं यदि राहु लगन से अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो राहु राहु की दशा में जातक को चोर का भय रहता है, व्रण से कष्ट होता है, जितने भी अधिकारी हैं राज्य अधिकारी हैं उनसे विवाद होता है, सहोदरों का नाश होता है, सहोदरों का मीन्स जो आपके जानने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आप फिर से खटास आती है, पत्नी एवं संतान को पीड़ा आदि फल प्राप्त होते हैं अगर लगन से राहु आठवें या बारहवें भाव में स्थित हो। फिर कहते हैं कि राहु द्वितीय दिन नाथे व सप्तम स्थाने माश्रिते, राहु द्वितीय भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, यानी राहु और केतु तो जहां बैठते हैं उसी आपके स्वामी की तरह कार्य करते हैं, तो राहु यदि द्वितीयेश हो या सप्तमेश हो, इन भावों में स्थित हो, तो क्या होता है, सदा रोगो महाकष्टम शांति कुर्याद यथा विधि, ऐसे में सदा रोग रहते हैं, दीर्घायु का लंबा रहता है, अपमृत्यु का भय रहता है, महाकष्ट होता है, तो उसके लिए शांति करवानी बहुत जरूरी है। कुर्याद यथा विधि, यथा विधि पूजा संपन्न करनी चाहिए, उससे ही आपको आरोग्य और संपदा प्राप्त होती है और भविष्य आपका सुरक्षित होता है। वो कहते हैं कि राहु यदि द्वितीय भाव में हो या सप्तम भाव में हो तो उनकी दशा में अपमृत्यु का भय रहता है, कष्ट होते हैं, रोग रहते हैं, तो ऐसी दशा में यथाविधि भगवान की पूजा कीजिए, आराधना करने से धन एवं आरोग्य लाभ प्राप्त होगा। तो महर्षि पाराशर ने, जैसे कि मैंने पहले श्लोक में बताया, इस बारे में उद्धृत किया है कि राहु कर्क कन्या वृश्चिक का धनु राशि में स्थित हो तो चौमुखी वैभव प्रदान करता है, यदि ये राशियां उपचय भाव में स्थित हो तो राहु और अधिक सुख जाता है। वैसे तो देखा जाए राहु उपचय भाव में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो इन राशियों में हो, कर्क कन्या वृश्चिक धनु राशि में हो, ये ध्यान आप रखिए, कर्क यानी चार नंबर राशि, कन्या यानी छह नंबर राशि, वृश्चिक यानी आठ नंबर राशि और धनु यानी नौ नंबर राशि, चार छह आठ नौ राशि में स्थित हो तो चौमुखी वैभव प्रदान करता है, और यदि राशियां ये उपचय भाव में स्थित हो गई तो राहु और भी अधिक सुख। तो ये था राहु के बारे में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा राहु की महादशा में राहु का, और समझ में आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा। हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं दिए गए नंबर पर। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।